जी हाँ, वही इमरान हाशमी जो लॉकडाउन में बिल्कुल खाली थे बेचारे। किसके साथ काम करेंगे, किसका काम करेंगे? मोनी रॉय। हाँ हाँ, नागिन। उनके किस्मत में, समझ गया साहब, नसरुद्दीन शाह, उन्होंने तो काम कमाल कर दिया साहब। पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, उनके कटोरे में पैसे रहे पड़े। हालांकि इमरान साहब, इस टाइप की कंटेंट की शुरुआत आप ही ने की थी, भूल गए मर्डर। अगर आपके पास हो टाइम तो जरूर देखो शो टाइम। नमस्कार, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और इस वक्त कुछ अच्छी अच्छी वेब सीरीज आई है, कमाल और धमाल। और मैं ही इस वक्त, आपको पता ही है मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ ऑन बाजू का, जो आपको बताएगा कि इंडस्ट्री में क्या है माहौल आजू बाजू का। ज़बरदस्त वेब सीरीज आई है जिसका नाम है शो टाइम। अगर आपके पास हो टाइम तो ज़रूर देखो शो टाइम, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसमें इमरान हाशमी है। जी हाँ, वही इमरान हाशमी जो लॉकडाउन में बिल्कुल खाली थे बेचारे, उनका बिल्कुल काम नहीं चल रहा था। मुंह पे मास्क था ना, अब मुंह पे मास्क होगा तो फिर, समझ गए ना, वो किसके साथ काम करेंगे, किसका काम करेंगे, उनके किस्मत में, समझ गया, मुंह पे मास्क था। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो ये शो टाइम जो है ये पूरी इंडस्ट्री के और एक्टिंग की दुनिया पे, पूरी शो टाइम मतलब जैसे बॉलीवुड पर डिपेंड है कि भैया क्या फिल्में बन रही है, क्या वेब सीरीज़ बन रही है, कैसी चीज़ें बननी चाहिए। डार्क साइड जो है, जिसे कह सकते कि डार्क साइड, लाइट साइड, दोनों, डार्क साइड को बड़ा लाइटली पेश किया गया और लाइट साइड को बड़ा डार्क तरीके से पेश किया गया। तो शो टाइम जो है, मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि इमरान हाशमी ने, मेरा बहुत ही फेवरेट एक्टर है और बहुत ही अच्छा रोल किया है उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है कि और भी कलाकार इसमें बहुत अच्छे अच्छे, जैसे मौनी रॉय। हाँ हाँ, नागिन, जी हाँ, उसने ज़बरदस्त काम किया भैया मौनी ने। कभी नागिन बनती है, कभी आत्मा बनती है, कभी प्रेतात्मा बनती है, लेकिन वो उसके अंदर टैलेंट है मौनी के अंदर। और मेरे फेवरेट साहब नसरुद्दीन शाह, उन्होंने तो काम कमाल कर दिया साहब। ये ज़बरदस्त एक्टर है, सिर्फ कई तरह से ये वैरायटी में काम करते हैं। पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान। और एक पीढ़ी उसमें, जो नई पीढ़ी का इंटरेस्ट भी दिखाया है कि वो कैसे कंटेंट को देखना चाहते हैं, और बाकी लोग भी कैसे इसमें शामिल है कि वो ये चाहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, फिल्म ऐसी बनाओ, OTT वेब सीरीज ऐसी बनाओ कि जिसमें कमाई हो, चाहे उसका कोई असर समाज पर बुरा पड़े, अच्छा पड़े, जो भी पड़े, लेकिन उनके कटोरे में पैसे रहे पड़े, ये वो चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पर अपनी राय तो यही दूंगा कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, इसमें आप अपना फैसला कीजिए, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और शो टाइम को मैं लगता कि आपको देख के ये डिसाइड करना चाहिए कि आप किसके साथ किस पक्ष में हैं, और बॉलीवुड का ये डार्क साइड आपको कितना लाइटली एंटरटेन करता है, ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है शो टाइम, जो नेटफ्लिक्स पर आई है। इमरान हाशमी बहुत ही मैच्योर कलाकार है, और बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि वो जब परफॉर्म करते हैं तो, और इसमें खासकर उनको दिखाया गया कि वो बड़े चिंतित है कंटेंट को लेकर कि भाई कैसा कंटेंट बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। हालांकि इमरान साहब, इस टाइप की कंटेंट की शुरुआत आप ही ने की थी, भूल गए मर्डर आपने ही हमारे अरमानों का खून किया था। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, लेकिन इसमें वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कुछ नई पीढ़ी के कलाकार है जो ये चाहते हैं कि कंटेंट कैसा भी हो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, पब्लिक को जो दे सकते हैं, गंदगी, वल्गरिटी, इरोटिकल जो भी होता है, ठीक है, इरोटिक जो भी होता है कंटेंट, वो सॉफ्ट तरीके से, तो ये तरह, ये जो युवाओं की सोच है उसको ये आईना दिखाता है। और साथ में द ग्रेट नसरुद्दीन शाह, पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से काफी इंसानियत, मजाक था भाई
ये वेब सीरीज बहुत ही इंटरटेनिंग है, 10 गुना है, 20 गुना है, 1000 गुना है। इसे तो रत्ना भी देखेगी और उसे भी पसंद आएगी। बिल्कुल काला सच है इंडस्ट्री का, तो यूथ को इसलिए देखना चाहिए कि अगर वो वेब सीरीज अच्छी देखना चाहते हैं, फिल्में अच्छी देखना चाहते हैं या फिल्मों से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि क्या सच्चाई है, कैसे बैकग्राउंड में क्या होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर देखकर अपना फैसला खुद करें, क्योंकि आजकल ऐसी वेब सीरीज आनी ज़रूरी हो गई है जो, या ऐसी फिल्में आनी ज़रूरी हो गई जो समाज को एक कह सकते कि अपना एक विचार दे। आप देखो और फिर उसमें अपना विचार मिला के इसको आगे बढ़ो, और क्या बनाना है, क्या देखना है, क्या नहीं सुनना है, वो सब समझ में आ जाएगा आपको। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट है शो टाइम, ज़रूर देखिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जियो हज़ारों साल, यही तेरे से दुआ दे रहा है सुनील पाल। हैप्पी होली, हैव ए सेफ होली, वेव जोगी रसारा अली खान।